पश्चिम बंगाल में EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है या जो इसके लिए आपको रिजर्वेशन मिलता है, वह सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, इस विषय में बहुत लोगों को संशय रहती है और बहुत इधर उधर भटकना पड़ता है, तब जाकर के कहीं लिंक मिल पाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने जा रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, उसका लिंक कहाँ से मिलेगा, कहाँ से फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, सारा विवरण आइए मैं आपको क्रमवार बताता चलता हूँ। आज मैं पश्चिम बंगाल में EWS सर्टिफिकेट के लिए कैसे आवेदन करें, इस विषय पर पूरा विवरण आपको बताने जा रहा हूँ। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वह लिंक दूंगा जिस लिंक से आप इस सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म डाउनलोड। देखिए, सबसे पहले तो आप जानिए एलिजिबिलिटी क्या है आपके लिए, आपको EWS सर्टिफिकेट अगर बनवाना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला इसमें है पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC, मतलब जो SC ST और OBC में नहीं आते वही लोग EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा क्राइटेरिया है ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम। ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम, फैमिली क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, शुड बी बिलो 8 लाख, अर्थात आपका सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। ऑल द सोर्सेज में सैलरी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, खेती बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, या फिर जो कुछ भी हो, और जिस साल आप आवेदन कर रहे हैं उसके पिछले वाले, मतलब अगर आप इस साल आवेदन कर रहे हैं तो यह 21-22 का फाइनेंशियल ईयर है, इसके पहले वाले 20-21 वाले फाइनेंशियल ईयर में आपकी आय, पारिवारिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसके बाद कहते हैं पर्सन हुज फैमिली डू नॉट ओन और प्रोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट, अर्थात जिसके परिवार में इनमें से कुछ भी ना हो, क्या 5 acres ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड अबव, अर्थात 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि या उससे अधिक। उसके बाद आता है रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 square feet, अर्थात आपके पास 1000 square feet के का मकान नहीं होना चाहिए या उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। उसके बाद है रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 yards, 100 yard, यार्ड मतलब गज होता है, या उससे अधिक का किसी म्यूनिसिपल क्षेत्र में आपके पास कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए, और रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 square yard एंड अबव इन एरिया जहाँ म्यूनिसिपैलिटी नहीं है वहाँ 200 गज से अधिक का आपके पास प्लॉट नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द फैमिली इन डिफरेंट लोकेशन वुड बी क्लब टुगेदर, अर्थात मान लीजिए आपके परिवार ने 5 जगह जमीन खरीद रखा है, उन सबको एक साथ जोड़ करके फिर आपका टोटल एसेट देखा जाएगा। इसमें और क्या आता है, फैमिली टर्म, जैसे मैंने बताया था द टर्म फैमिली फॉर दिस पर्पज वी इंक्लूड द पर्सन हु सीक द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, मतलब आप यदि आवेदन कर रहे हैं तो हिज और हर पेरेंट एंड सिबलिंग बिलो द एज ऑफ 80 years आर ऑल्सो हिज हर स्पाउस बैंड चिल्ड्रेन, अर्थात आपके माता पिता या आपके पत्नी के बच्चे ये फैमिली में आते हैं जो 18 साल से कम हों। अब इसमें क्या होता है, इनकम एंड असेट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, आपको अपना इनकम देना दिखाना पड़ता है, वो कौन देगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई फॉर द EWS सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल, आपको इनकम असेट सर्टिफिकेट देना है, अनेक्सर सी, वह सब आपको मैंने जो लिंक दिया उस लिंक में पूरे आवेदन के साथ हर चीज मिल जाएगी। पहला है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरा है सब डिविजनल ऑफिसर SDO जिसको कहा जाता है, और तीसरे हैं DWO कोलकाता फॉर KMC एरिया, कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो लोग हैं उस उनके लिए। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अर्थात इसके लिए शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, आप अपने वार्ड कमिश्नर से लिखवाएंगे, वार्ड कमिश्नर से लिखवाने के बाद अपने म्यूनिसिपैलिटी से लिखवाएंगे, और वो सर्टिफिकेट आप SDO ऑफिस में जमा करेंगे जहाँ से आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के साथ जो इनकम सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अलग है, उसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा, आप उसको आवेदन करें और वहां से कर सकते हैं या फिर ये सीधे कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उसको आवेदन करना है, वह सारा डाउनलोड का लिंक मैंने आपको इस स्लाइड के अंत में दिया हुआ है। उसके साथ आपको क्या क्या लगाना है ये देखिए,
सबसे पहले आपको लगाना है अपना वोटर कार्ड या जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है अपना या अपने पिताजी का या माताजी का या दोनों का। उसके बाद आपका खुद का या पेरेंट्स का पैन कार्ड लगाना है। उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, जो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एडमिट कार्ड देना है माध्यमिक या इक्विवेलेंट परीक्षा का, जिसे प्रमाणित हो आप कितने साल के हैं। उसके बाद आता है कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको पे स्लिप देना है, आपके पेरेंट्स हैं सैलरीड पर्सन हैं तो उनका पे स्लिप देना है। अगर सैलरीड नहीं है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है, उसके लिए मैंने आपको बताया क्या फॉर्मेट है, उसके अनुसार काम करना है। और फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको आपकी म्यूनिसिपैलिटी देती है, वार्ड कमिश्नर से साइन करा के आप अपने नगर निगम म्यूनिसिपैलिटी में संपर्क कर सकते हैं उसके लिए। उसके बाद क्या है, आपको अपने जमीन, अगर जमीन है आपके पास तो उसका पर्चा है या रजिस्टर्ड डीड है या ROR कहा जाता है, उनमें से कोई चीज़ या तीनों चीज़ देना होगा। इसके बाद सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ सब कास्ट फ्रॉम ग्राम पंचायत, मतलब आप अपने सब कास्ट का, आप इस कास्ट में पढ़ते हैं एस सी एस टी ओ बी सी में नहीं आते हैं, ये अपने ग्राम पंचायत या फिर म्यूनिसिपल से बनवा करके देना होगा। इसके बाद क्या देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन इन रिगार्ड टू फैमिली इनकम, पारिवारिक आय के संबंध में आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं और सब कास्ट का भी देते हैं, वो अनेक्सर बी में है, उसी आवेदन में मिल जाएगा आपको। ये जो वैलिडिटी है ये बड़ा प्रश्न है, बहुत लोगों को इसके बारे में संशय रहता है। देखिए आपकी वैलिडिटी एक वित्त वर्ष रहती है, एक वित्त वर्ष का मतलब है कि 1 अप्रैल से वित्त वर्ष शुरू होता है हर साल और अगले साल 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो आप जैसे 31 मार्च ख़त्म हो आपको फिर से 1 अप्रैल के बाद से यथाशीघ्र अपना यह सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लेना है, और फिर हर साल नहीं कराते हैं तब आपको दिक्कत आती है। इसके आवेदन का लिंक मैंने बताया, मेरा ब्लॉग है gali-kucha.blogspot.com gali-kucha.blogspot.com, उसमें ये लिंक दिया हुआ है, ये वीडियो के अंत में मैं डाल दूंगा। आप चाहें तो सिर्फ gali-kucha.blogspot.com पर जाकर के भी आप विवरण देख सकते हैं।